तरंग से संबंधित कुछ आंकिक प्रश्न देखेंगे। 6000 एंगस्ट्रोम तरंग दैर्ध्य की प्रकाश किरण निर्वात से जल या पर्तनाखे में प्रवेश करती है। प्रकाश निर्वात से जल में प्रवेश कर रहा है। वेव ऑप्टिक्स से संबंधित आंकिक प्रश्न है। जल में प्रकाश की चाल तथा तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। अब महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि आवृत्ति चेंज नहीं होती है। प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो आवृत्ति चेंज नहीं होती है। n बराबर c अपॉन v, ये हाइगन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत में जब अपवर्तन की व्याख्या करते हैं वहां भी ये फॉर्मूला आता है। तो v बराबर c अपॉन n, जल में चाल बदल जाती है, सघन माध्यम में चाल कम होती है, तो डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, ये जल में चाल है। और c बराबर न्यू इंटू लेमडा होता है, v बराबर n लेमडा, जैसे कि यांत्रिक तरंगों में होता है, प्रकाश की तरंगों में c बराबर न्यू इंटू लेमडा लिखा जाता है। लेमडा का मान c अपॉन न्यू हो गया। आवर्ति कांस्टेंट है, आवर्ति नहीं चेंज होनी है, इसलिए लेमडा समानुपाती c हो गया। तो लेमडा a अपॉन लेमडा w वाटर में सी ए अपॉन सी डब्ल्यू हो गया, और यहीं से वाटर में जो वेवलेंथ है वो कैलकुलेट कर लेंगे, सी ए लेमडा ए वी डब्ल्यू अपॉन सी ए, इसको इधर ले जाएंगे। और देखिए सी अपॉन वी ये एन होता है तो इसकी जगह वन अपॉन एन आ जाएगा, तरंग दैर्ध्य कैलकुलेट हो गई। एक और आंकिक प्रश्न देखिए। दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 25 अनुपात 16 है। दो तरंगे उनकी तीव्रताओं का अनुपात इंटेंसिटी, उनके आयाम का अनुपात क्या होगा? दोनों तरंगों के व्यतिकरण के परिणाम स्वरूप महत्तम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा? हम जानते हैं कि अगर आयाम A1 A2 हो तो तीव्रता समानुपाती आयाम का वर्ग होती है। तो I1 बटे I2 A1 स्क्वायर बटे A2 स्क्वायर हो गया, ये दिया हुआ है। तो A1 A2 का रेशो 5:4 आ गया, यानी एक तरह से इसे हम कह सकते हैं 5a अपॉन 4a। अगर जनरल आयाम a हो तो 5a अपॉन 4a, कोई भी कांस्टेंट ले सकते हैं। I मैक्सिमम a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती होता है, और मिनिमम डिफरेंस पर डिपेंड करता है। आई मैक्सिमम आई मिनिमम A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर बटे A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, और ये 5 और 4 5 माइनस 4 तो 81 रेशो 1 आ गया। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से संबंधित एक विशेष प्रकार का आंकिक प्रश्न देखेंगे। दो झिर्रियों के बीच की दूरी 3 मिलीमीटर है, डबल स्लिट स्मॉल डी है ये, इन पर 6000 एंगस्ट्रोम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश लंबवत पड़ रहा है। झिर्रियों से 1 मीटर दूरी पर रखे पर्दे पर, पर्दे तक की दूरी कैपिटल डी 1 मीटर है, फ्रिंजे बन रही हैं। तो इससे संबंधित किस किस तरह के प्रश्न देखिए हो सकते हैं। फ्रिंज चौड़ाई का मान लीजिए ज्ञात करना है तो W बराबर डी लैम्डा बटे डी होता है, डी लैम्डा मीटर में रखेंगे, स्मॉल डी मिलीमीटर में दिया है तो मीटर में करेंगे, मीटर में आया है
जनरली फ्रिंज चौड़ाई मिलीमीटर में, बहुत कम मान है ना, 0.2 मिलीमीटर आ गई। केंद्रीय फ्रिंज से तीसरी डिप्थ फ्रिंज की दूरी, केंद्रीय फ्रिंज जैसे कि ये है ब्राइट फ्रिंज, केंद्रीय फ्रिंज से तीसरी डिप्थ, पहली डिप्थ डी लैम्ब्डा बटे डी, दूसरी डिप्थ 2d लैम्ब्डा बटे डी, तीसरी डिप्थ 3d लैम्ब्डा बटे डी। तो केंद्रीय फ्रिंज से तीसरी डिप्थ फ्रिंज की दूरी, केंद्रीय से तीसरी डिप्थ डी लैम्ब्डा बटे डी, ये 2d लैम्ब्डा बटे डी, ये 3d लैम्ब्डा बटे डी। बस ये आपको पैटर्न पता होना चाहिए, डेरिवेशन करेंगे तो ये भी याद रहने लगेगा 3d लैम्ब्डा बटे डी। पूछा गया है केंद्रीय फ्रिंज के दोनों ओर द्वितीय फ्रिंजों अधिक्त वाली के बीच की दूरी, केंद्रीय फ्रिंज से पहली अधिप्त मतलब डी लैम्ब्डा बटे 2d, दूसरी अधिप्त 3d लैम्ब्डा बटे 2d, इधर भी 3d लैम्ब्डा बटे 2d, और यहां से यहां तक टोटल हो गई इसका डबल, दो से गुणा करेंगे दो कैंसिल, 3d लैम्ब्डा बटे डी, ये आ गया। बस मान रखना है आ जाएगा। निर्वात अथवा वायु में फ्रिंज चौड़ाई w बराबर d लैम्ब्डा बटे डी होती है। अगर n अपवर्तनांक के माध्यम में उपकरण रख दिया जाए तो चूंकि आवर्ती नहीं बदलती है प्रकाश की, चाल कम हो गई तो तरंग दैर्ध्य कम हो गई, चाल कम हो गई तरंग दैर्ध्य कम हो गई क्योंकि आवर्ती कांस्टेंट है। सी बराबर न्यू लैम्ब्डा, सी बराबर न्यू इंटू लैम्ब्डा, ये कांस्टेंट है तो सी समानुपाती लैम्ब्डा, एक तरह से चाल कम हो गई आवृत्ति कम हो गई, अपवर्तनांक एन, तो लैम्ब्डा डैश का मान लैम्ब्डा अपॉन एन हो गया। महत्वपूर्ण बात है। एक और छोटा सा डेरिवेशन क्लास में किया गया था, दो इंटरफेरिंग जो रेज थी, व्यतिकरण करने वाली दो किरणें, उनमें से एक किरण के मार्ग में अगर टी मोटाई और एम एन अपवर्तनांक की कोई पारदर्शी शीट रख दी जाए तो पूरा पैटर्न उस किरण की ओर खिसक जाता है, फ्रिंज चौड़ाई में कोई अंतर नहीं आता है और जो विस्थापन होता है वो डी बटे डी एन माइनस वन इंटू टी होता है। डेरिवेशन भी करके देखेंगे, अच्छा टॉपिक है, बस मान रखेंगे और आ जाएगा। तो इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे। ये लगभग सभी तरह के प्रश्न हो गए हैं इससे संबंधित।